सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, क्या आप भी व्हाट्सएप पर किसी का चैट को लॉक करना चाहते हैं और लॉक करने के बाद आप उसको हाइड भी करना चाहते हैं ताकि किसी को व्हाट्सएप पर वो चैट दिखाई ना दे, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पाए हो, ठीक है। सो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आप व्हाट्सएप पर किसी से चैट वगैरह करते हैं, आप उस चैट को हाइड करना चाहते हैं, ठीक है। आप हाइड कर लोगे, उसके बाद उसको मतलब लॉक करके हाइड करना चाहते हो ताकि किसी को पता भी ना चले आप किससे चैट करते हो नहीं करते हो, ठीक है। तो आप इसी चीज़ से परेशान हो तो आप इस वीडियो पर क्लिक किए हो, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किए हो, ठीक है। सो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सीधा चलते हैं अपने व्हाट्सअप में और क्या क्या प्रोसेस होता है चैट लॉक करने का और लॉक करने के बाद हाइड करने का, और सब कुछ मैं बताऊँगा, ठीक है। लेकिन अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो कॉमेंट करके प्लीज़ बता देना ताकि मुझे भी पता चले कि हमारा वीडियो कहां कहां तक जाता है, ठीक है। और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है नहीं वो भी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। सो दोस्तों, चलिए हम यहां पे व्हाट्सएप को यहां पे ओपन कर लेते हैं सिंपल तरीके से, ठीक है। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आप जिससे चैट करते हो, ठीक है, आपको सबसे पहले उसका यहाँ पे उस पर आपको क्लिक करना है, मतलब आप जिसका भी चैट लॉक करना चाहते हैं और लॉक करके उसको हाइड करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, आप जिसका भी चैट लॉक हाइड करना चाहते हो, मतलब चैट को लॉक करना चाहते हो, सिंपल तरीका से आपको उस पर क्लिक कर देना है। उस पर्सन पर क्लिक करने के बाद देखिए अब ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सो दोस्तों, अब आपको फिर से उसके यहाँ पे प्रोफाइल पर जाना है। अब जैसे आप उसके प्रोफाइल पर आ जाते हैं तो अब आपका यहाँ पे उसका नंबर शो करेगा, मैं नंबर ब्लर कर दूंगा, ठीक है। सो दोस्तों, उसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है। सो दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक चैट लॉक ऑप्शन दिखाई दिया है। अब अभी से आपको वीडियो को स्किप नहीं करना, यहाँ से ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगा। आप चैट लॉक देख करके आप समझ गए कि बस यही सिंपल है, बस ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ से भी वीडियो को अभी आगे देखना तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ से चैट लॉक समझ देख करके ये मत सोच लेना कि यहीं से वीडियो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले चैट लॉक को यहाँ पे ऐसे ऑन कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो आपका जो भी यहाँ पे फिंगर या पासवर्ड कुछ भी होगा उसको डाल लेना है। तो हमारे मोबाइल में फिंगर, तो चलिए सबसे पहले अपना फिंगर को मैं इंटर कर देता हूँ। फिंगर इंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे चैट लॉक हो चुका है। चैट लॉक होने के बाद यहाँ से आपको सिंपल तरीके से ऐसे बैक आना है, एक बार ऐसे बैक आ जाना, ठीक है। बैक आने के बाद देखिए वो पर्सन हमारे यहाँ से हट चुका है जिसको मैं अभी यहाँ पे चैट लॉक किया हूँ, ठीक है। अब उसको कैसे वापस लाना है, वापस लाने के लिए आपको ऐसे फिंगर करना है और नीचे साइड ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा करना है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे नीचे साइड यहाँ पे करेंगे तो देखिए यहाँ पे चैट लॉक ऑप्शन आ चुका है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको फिंगर या पासवर्ड कुछ भी होगा उसको यहाँ पे डाल लेना है, ठीक है। डालने के बाद उसका देखिए यहाँ पे चैट यहाँ पे खुल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से उससे आप चैट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप इसको भी हाइड करना चाहते हैं, जैसे मैं किसी को पता भी ना चले कि यहाँ पे चैट लॉक भी है, तो आप इसको भी हाइड कर सकते हैं। इसको हाइड करने के लिए क्या किया जाता है, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसको हाइड करने के लिए आपको यहाँ पे लॉक चैट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो भी आपका पासवर्ड फिंगर होगा उसको यहाँ पे इंटर कर देना है। ये इतना कर लेने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है लॉक चैट पे। यहाँ पे आने के बाद आपको एक थ्री लाइन का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे देखिए। सो दोस्तों, लॉक चैट पे आने के बाद आपको इधर यहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको थ्री डॉट पे चले जाना है। आप यहाँ पे आते हैं तो देखिए चैट लॉक सेटिंग का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। सो दोस्तों, आप जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे हाइड लॉक्ड चैट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। आप इस पर जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्रिएट सीक्रेट कोड का एक ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे वो कोड डालना है जिस कोड के माध्यम से आप अपने चैट को खोल पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे कोड को डाल देता हूँ। सो दोस्तों, कोड डालने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर से वही कोड को आपको फिर से दोबारा डालना है, तो चलिए वही कोड को मैं फिर से यहाँ पे दोबारा यहाँ पर डाल लेता हूँ। उसी कोड को दोबारा डालने के बाद यहाँ पर टिक लग जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको डन पर क्लिक कर देना है। सो दोस्तों, आप जैसे यहाँ पे डन पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ से बैक आ जाना है। चलिए यहाँ से बैक चलते हैं और अब देखिए मैं नीचे भी कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए वो चैट लॉक ऑप्शन नहीं आ रहा है उसका, यहाँ पे कहीं भी वो ऑप्शन नहीं आ रहा है, वो पर्सन हमको दिखाई नहीं दे रहा है। नीचे भी कर रहा हूँ तो नहीं दिखाई दे रहा है। अब आप उससे कैसे चैट करोगे, तो उसको कैसे मतलब आप उसका कैसे यहाँ पे खोल पाओगे प्रोफाइल, ठीक है। तो उसको खोलने के लिए देखिए ऊपर में एक सर्च का ऑप्शन दिया गया है, तो आपको इस पर क्लिक करना है और जो भी आप यहाँ पे कोड को डाले सिंपल तरीका से आपको उस कोड को यहाँ पे डाल देना है। आप जैसे यहाँ पे कोड को यहाँ पे डाल लोगे तो उसका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे कोड को डाल लेता हूँ। कोड डालने के बाद देखिए यहाँ पे लॉक चैट का ऑप्शन आ चुका है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। देखिए वो पर्सन का यहाँ पे चैट खुल चुका है, अब आप उससे बात वगैरह भी कर सकते हैं। आई होप आप इस वीडियो की मदद से आप भी किसी भी पर्सन को चैट लॉक करना सीख गए होंगे और उसको हाइड भी करना सीख गए होंगे। सो दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।